10 साल तक हरियाणा कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र हुड्डा के डी पार्क रोहतक निवास पर सीबीआई अधिकारियों ने छापेमारी की, जिसका मुख्य कारण हुड्डा के कार्यकाल में हुआ मानेसर जमीन घोटाला बताया जा रहा है। इस छापेमारी के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों ही अपने निवास स्थान पर मौजूद थे और बाहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुड्डा के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने चुटकी लेते हुए सीबीआई को बीजेपी के हाथ की कठपुतली बताया। आज हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास सहित दिल्ली एनसीआर में 30 जगहों पर आज सीबीआई ने छापेमारी की। हुड्डा के खिलाफ मानेसर जमीन घोटाले मामले में सीबीआई की तरफ से जांच की जा रही है। सबसे पहले हुड्डा के घर में छापेमारी की गई। घर के अंदर ना तो किसी सदस्य को जाने दिया जा रहा था और ना ही किसी सदस्य को बाहर आने दिया जा रहा था। सीबीआई की छापेमारी की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हुड्डा के घर के बाहर नारेबाजी करने लगे। सीबीआई टीम के घर के जाने के बाद ही हुड्डा अपनी रैली के लिए निकले। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई जींद के उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई है और भाजपा किसी भी तरह जींद का उपचुनाव जीतना चाहती है, इसी कारण यह कार्रवाई की गई है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली है और यह कार्रवाई हुड्डा की इस रैली को नाकाम करने के लिए की गई। वहीं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देते हुए कहा कि बीजेपी पिछले 4 साल से सीबीआई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। कैमरामैन गुरपेज के साथ मैं स्वर्ण, इंडिया 24 न्यूज़।